आपको जानकर के हैरानी होगी, विधानसभा से हम लोगों ने नियोजन नीति को पारित करवाया, सरना धर्म कोड को पारित कराया, पिछड़ों का आरक्षण को पारित कराया, लेकिन ये आगे में जाकर के उसको रोक देने का काम करते हैं। मंशा इनकी साफ है, ये नहीं चाहते हमें हमारा सरना धर्म कोड मिले, ये नहीं चाहते हमारे झारखंड में नियोजन नीति बने, ये नहीं चाहते कि पिछड़ों को आरक्षण मिले। ये क्यों नहीं चाहते हैं? ये चाहते हैं कि झारखंड के लोग का शोषण हम तरीके से करें, झारखंड का अगर धरती का अंदर में जो खजाना है वो निकालेंगे और अपने राज्यों में जाकर के उसको चमकाएंगे, लेकिन झारखंड के लोगों को उनके हिस्से का पैसा 1,36,000 करोड़, छोटी मोटी रकम नहीं है, हजार लाख करोड़ नहीं, 1,36,000 करोड़, शून्य गिनिएगा ना तो 10 शून्य होता है उसमें। इतना पैसा ये है किसका? ये आपका पैसा है, आप लोगों का पैसा है। हमारे बुजुर्गों को पेंशन दिया जा सकता है, हमारी बच्चियों को अच्छी शिक्षा दी जा सकती है, अच्छे अस्पताल खुल सकते हैं, विद्यालय खुल सकते हैं, लेकिन ये नहीं चाहते, ये नहीं चाहते कि झारखंड आगे बढ़े, क्योंकि इन्हें अपने एक दो राज्य को ही देश में आगे बढ़ाना है। ये झारखंड को जो गरीब का नाम का इन्होंने घोषित किया है, झारखंड गरीब नहीं है, झारखंड को जानबूझ करके गरीब बनाया जा रहा है। हमारे जंगलों को काटते हैं, आपको पता होगा छत्तीसगढ़ में हसदेव जंगल को उन्होंने काट दिया, आज वहां व्यापारियों को दे दिया, किस लिए? वहां के खनिज संपदा निकालने के लिए। और ये यही काम झारखंड के लिए भी करते हैं, बचाना होगा हमें अपने जंगलों को, बचाना होगा उसी तरीके से जिस तरीके से नेतरहाट में फील्ड फायरिंग रेंज में दादा ने जिस तरीके से बताया, कितने वर्षों तक लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन रुकवाने का अगर काम किया है तो वो हेमंत सोरेन ने किया है, क्योंकि उनकी मंशा साफ है, उन्होंने उनको पता है कि झारखंड को किस मुद्दे की जरूरत है, झारखंड को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, उसका पूरा रोड मैप उनके दिमाग में है। लेकिन आपको मैं ये बताना चाहूंगी, अभी कुछ दिन में बहुत लोग आएंगे, दिग्भ्रमित करेंगे, जाति के नाम पे करेंगे, धर्म के नाम पे करेंगे, लेकिन ऐसे लोगों को से आपको सचेत रहना है। जिस तरीके से आप लोगों ने लोकसभा चुनाव के समय में हम लोगों का, हमारी महागठबंधन का साथ दिया था, उसी तरीके से मैं चाहूंगी कि आप लोग भी हमारे आगे की रण में अपना साथ दीजिएगा। आप अपना साथ दीजिएगा, माताएं बहनें भाई दादा, आप लोगों से मैं पूछ रही हूं, आप लोग साथ दीजिएगा हेमंत सोरेन जी का? दीजिएगा सब लोग, अपना हाथ, दोनों हाथ उठा के बताइए कि आप लोग साथ दीजिएगा, अपना साथ दीजिएगा। जय झारखंड, जय झारखंड। ये हुंकार, ये गूंज हमारे विरोधियों को पता होना चाहिए कि अगर आप हमारी योजनाओं में पीआईएल करते हैं, हमारी नीतियों को अगर पीआईएल करिएगा, तो आपको सचेत हो जाना चाहिए। इस बार आधी आबादी के साथ हमारी झारखंड की पूरी आवाम लड़ने के लिए तैयार है, अपना हक का पैसा आपसे लेने के लिए तैयार है, चाहे वो मनरेगा का करोड़ों करोड़ रुपया क्यों ना हो, और हमारा 1,36,000 करोड़ रुपया क्यों ना हो, ये लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। ये बाहर से लोग आते हैं, इन्हें आपको पता होगा बहुत सारे मुख्यमंत्री आ रहे हैं, केंद्र मंत्री आ रहे हैं, इन्हें झारखंड के बारे में कुछ पता नहीं है। ये तब आते हैं जब चुनाव का समय समीप आता है और बरगलाने का काम करते हैं।
इनसे पूछना चाहिए, और आप लोग अगर आएंगे तो जरूर पूछिएगा। हम अपनी भाषा कुड़ुक भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में लाने के लिए पत्र पे पत्र लिखते हैं, ये जवाब हमें क्यों नहीं देते हैं? अगर आज इस मौके से आप लोग चूक गए तो दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा। अगर आपकी आवाज को बुलंद करने का कोई काम कर रहा है, हमारे समाज को एक साथ जोड़ कर करके उसकी लड़ाई को नेतृत्व करने का काम कर रहा है, तो वो सिर्फ हेमंत सोरेन है। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारी आदरणीय दीपिका पांडे सिंह जी का। ये मैडम इतनी खुशहाली ला रही हैं हमारे किसानों के ऋण माफी। मैं धन्यवाद इसलिए देना चाहूंगी क्योंकि ये अभी नई नई आई हैं, और आते ही इन्होंने जो हमारे किसानों के ऊपर बोझ था उसको खत्म करने का काम किया है। हमारी ये महागठबंधन की सरकार ने उसको खत्म करने का काम किया है। केंद्र में इनकी सरकार है, ये क्यों नहीं किसानों के ऋण को माफी कर देते हैं, लेकिन अपने व्यापारियों मित्रों के लिए 15 लाख करोड़ ये लोग माफ कर देते हैं। इतना पैसा इनके पास में है, लेकिन हमारे देश के किसानों का ऋण माफ करने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। यहां पर मैं हमारे पहाड़ों को खत्म करने के लिए बड़े बड़े व्यापारियों को जगह दे देते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे हम नियोजन नीति लाने की बात करते हैं तो उसका साथ नहीं देते हैं। मंशा इनकी एकदम स्पष्ट रूप से साफ है कि इनकी मंशा है कि झारखंड कभी आगे नहीं बढ़े, झारखंड कभी अपने मुद्दे की बात ना करे। आज हम अपनी कला संस्कृति परंपरा को आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो इन्हें तकलीफ होती है। आपको जान करके हैरानी होगी, ये हमें आदिवासी भी नहीं बोलते हैं, इन्हें आदिवासी शब्द से चिढ़ है, ये हमें वनवासी बोलते हैं। तो जो पार्टी हमें हमारे शब्द से, जो हमारा गुमान है, हमारा नाज है, जब वो शब्द हमें दे नहीं सकते हैं तो हमारी भाषा बोली संस्कृति परंपरा के बारे में ये लोग क्या जानेंगे। तो इस बार आप लोगों को खड़े रहना है अडिग। जिस तरीके से हेमंत सोरेन जी ने अपना सर नहीं झुकाया, उस तरीके से झारखंड की हमारी सारी की सारी आवाम को अब सीना तान करके, सर उठा करके, जो हमारी प्रकृति हमें सिखाती है, यहाँ पहाड़ देख रहे हैं ना, ये पहाड़ भी अपना सीना तान करके, अपना मस्तक उठा करके, अपनी जन जंगल जमीन को बचाने का प्रयास करता है। यही हमारी प्रकृति है और यही हमें सिखाती है। तो ये आप सभी को समझने की ज़रूरत है। बस इन्हीं चंद बातों के साथ मैं आप सभी से विदा लेना चाहूँगी। आप लोग यहाँ आए हैं, हम लोगों की बातों को सुना है, बहुत इत्मीनान तरीके से सुना है। आप सभी को हृदय की गहराइयों से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, आभार करना चाहती हूँ। और इस कार्यक्रम को इतना सुंदर बनाया, इतना ताकतवर बनाया, आप सभी को धन्यवाद करना चाहती हूँ। और अंत में नारी शक्ति के लिए जिंदाबाद करना चाहती हूँ, हमारी मैया सम्मान के लिए जिंदाबाद करना चाहती हूँ। तो मेरे भाई दादा, मेरी बहनें, मेरी माताएं, आप सभी मेरा साथ जरूर दीजिएगा। नारी शक्ति जिंदाबाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।